अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एनामुल्ला और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टॉप फॉर ऑल। तो दोस्तों, अगर आपने फेसबुक में ये दो सेटिंग नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को इन तक देखिए ताकि मैं आपको सिखाऊंगा कि ये दो सेटिंग कैसे किया जाता है और इसका फ़ायदा क्या है। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा अकाउंट जो है ना वेरीफाइड हो चुका है और हमने सब सोर्स वगैरह लगा दिए अपने अकाउंट में, तो कैसा हैक हो जाएगा और हमारा डेटा कैसा लूज़ हो जाएगा। तो दोस्तों, हो सकता है, क्योंकि अभी मैं आपको आगे वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस रेड बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं न्यू वीडियो अपडेट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया। तो चलिए वीडियो की तरफ। ओके फ्रेंड, दोस्तों सबसे पहले जो है ना अपना फेसबुक अकाउंट पे आ जाइए और वहाँ जो है ना ऊपर थ्री लाइन के निशान आ जाएगा आपको, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है ना नीचे अकाउंट सेटिंग पे आना है। अकाउंट सेटिंग ओपन करने के बाद जो है ना आप सबसे नीचे आ जाइए और उधर लिखा है एप्स AWPS, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद जो है ना आपको टू मेन पॉइंट आएगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये टू ऑप्शन की जो है ना आपको सेटिंग करना है। लॉगिन इन फेसबुक एंड सेकंड नंबर है ये वाला एप्स एंड वेबसाइट इन गेम। दोस्तों, अगर पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, सॉरी, ये क्यों आता है। दोस्तों, अक्सर हम प्ले स्टोर से जो है ना गेम एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर देते हैं और जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो वो लॉगिन परमिशन मांगता है। वो बहुत पूछता है कि आप फेसबुक अकाउंट के साथ लॉगिन होना चाहते हो या जीमेल के साथ। तो अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि हम फेसबुक अकाउंट के साथ लॉगिन हो जाते हैं और जैसे हम लॉगिन हो जाएंगे तो हमारा पूरा फेसबुक का अकाउंट का डेटा जो है ना वो उसके पास चला जाता है और हमारा डेटा जब उसके पास चला जाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है हमारे डेटा के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से मैं आपको ये टू ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि इसकी सेटिंग लाजिम कीजिए हर रोज़। जैसी मतलब रोज़ आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हो और फिर इसको अनइंस्टॉल कर देते हो लेकिन आपका अकाउंट जो है ना उसमें ऐसे रह जाता है और आपका डेटा वैसे आप उसके पास रह जाते हैं, तो आप इधर आ जाइए और आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोग जो है ना ये बोलते हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, सही ना, और हमने पूरा सोर्स लगा चुके हैं तो हमारा डेटा कैसे लूज़ हो जाए और हमारा डेटा कैसे चुरा हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आप ख़ुद इधर परमिशन दे रहे हो कि मतलब हाँ हमारा फेसबुक अकाउंट के साथ आप लॉगिन हो जाओ, हमारा पूरा डेटा आप देख लो लेकिन हम आपके साथ लॉगिन होना चाहते हैं, सही ना, और जैसे हम लॉगिन हो जाते हैं तो हमारा पूरा डेटा उसके पास चला जाता है। तो दोस्तों, हम फिर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ये जो है ना सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, सही ना, ये वाली पे। तो ये सेकंड ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इधर जो है ना एक ऑप्शन आएगा टर्न ऑफ, सही ना। दोस्तों, चाहे आप हज़ार हो, चाहे 20 हो, चाहे 10 एप्लीकेशन में जो है ना आप फेसबुक अकाउंट के साथ लॉगिन हो चुके हो ना, सिर्फ आप सिर्फ टर्न ऑफ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप टर्न ऑफ पे क्लिक करोगे ना तो पूरा के पूरा जो है ना आप उस एप्लीकेशन जो है ना आपका एप्लीकेशन सॉरी फेसबुक अकाउंट का डेटा जो है ना और आपका फेसबुक अकाउंट ना पूरा ऐप से निकल जाएगा और किसी के पास आपका फेसबुक अकाउंट नहीं रह जाएगा, आपका फेसबुक अकाउंट सेफ हो गया, ये मेरा गारंटी है, सही ना। दूसरा जो है ना मैं आपको बताता हूँ सेकंड ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन पहले इसको मैं वापस ऑन करना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर ऑप्शन को भी दिखाना है आपको, सही ना। सबसे ऑप्शन जो है ना पहले ऑप्शन लॉग इन विथ फेसबुक, सही ना, इस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इधर जैसे आप इसको ओपन करोगे तो इधर जो है ना अभी तो मेरे पास नहीं, मैंने सब रिमूव कर दिया, सही ना, इससे पहले तो मैं तकरीबन 20 ऐप के साथ लॉगिन हो चुका था और जिस एप्लीकेशन के साथ आप लॉगिन हो चुके हो ना इधर ऐसा लाइन में आएगा, मतलब ट्यूबी क्वाल स्टार शो वगैरह ऐसे नीचे, मतलब अगर 100 तक है तो 100 ऐसा लाइन में आएगा और इधर जो है ना इधर खाली खाली सेल हो जाएगा, सॉरी आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इधर इस खाली सेल पे क्लिक करना है और रिमूव, ऊपर आप देख रहे हो ये वाला मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ, बाकी आपको बहुत इजी समझ आ जाएगा। इधर एम्प्टी सेल होगा, इस पे क्लिक करना और इधर जो है ना रिमूव लिखा हो ब्लू कलर में, आप रिमूव पे क्लिक कीजिए। जैसे आप रिमूव पे क्लिक करोगे तो आपका जो है ना एप्लीकेशन से आपका अकाउंट निकल जाएगा। अगर अभी इधर 20 एप्लीकेशन में आप फेसबुक अकाउंट के साथ लॉगिन हो चुके हैं तो आप जिस एप्लीकेशन में जो है ना
लोग रहना चाहते हो तो आप उस सेल में टिक मार मत कीजिए, ऐसे ही छोड़ दिए, बाकी जो है ना सब में टिक मार्क कर दिए और इधर रिमूव पे क्लिक कीजिए तो आपका पूरा एप्लीकेशन जितने भी आप चाहो उससे रिमूव कर सकते हो और आपका अकाउंट जो है ना उससे निकल जाएगा और आपका अकाउंट सेफ रहेगा। तो दोस्तों ये टू ऑप्शन थी जो बहुत ज़बरदस्त थी और आप 1000 बार भी अकाउंट वेरीफाई करोगे अगर आप ऐसी एप्लीकेशन के साथ लॉगिन हो जाते हो तो आपका डेटा जो है ना बिल्कुल सेफ नहीं है। तो इसलिए ये टू सेटिंग मैंने आपको दिखा दिया, लॉगिन विद फेसबुक एंड ऐप वेबसाइट एंड गेम, सही ना। तो आप अगर सब जितने भी ऐप जो है ना आपसे अपने फेसबुक अकाउंट निकालना चाहते हो तो आप सिंपली इस सेकंड नंबर पे क्लिक कीजिए और इसको जो है ना टर्न ऑफ कीजिए, ये टर्न ऑफ है। और जैसे आप इसको टर्न ऑफ करोगे तो आपका फेसबुक अकाउंट जो है ना वो पूरे एप्लीकेशन जितने भी चाहे साल हो या महीने में या एक दिन में आप लॉगिन हो चुके हो तो सब एप्लीकेशन से जो है ना आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा और आपका डेटा जो है ना कभी नहीं चुरा पाएगा और ना आपके डेटा के साथ कोई हाल लगा सकते। तो दोस्तों ये टू सेटिंग थी जो है ना मैंने आप लोगों के लिए लाया और आपको दिखाया कि ये ऐसे ऐसे बात है जो है ना। आप ये मत सोचिए कि हमारा फेसबुक अकाउंट है कि कोई सॉरी वेरीफाइड है और कोई हैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों अक्सर बड़े हैकर जो है ना इसी थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू जो है ना आपके डेटा तक पहुँचाने की कोशिश कर देता है। तो दोस्तों हमें जो है ना ऐसे सेटिंग करना लाजिम है और रोज़ इस सेटिंग को देखिए। जैसे मतलब अक्सर जो है ना आजकल लोग बहुत सी एप्लीकेशन जो है ना इंस्टॉल कर देते हैं और फेसबुक अकाउंट के साथ लॉगिन हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मुश्किल नहीं आप लॉगिन हो जाए सही ना, लेकिन जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आप फिर यहाँ पे आ जाइए ये फेसबुक के अकाउंट में जहाँ मैंने आपको सेकंड दिखाया सही ना सॉरी सेटिंग दिखाया और आप जो है ना इधर से फिर टर्न ऑफ कीजिए ताकि आपका डेटा सेफ रहे। तो अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अगर लाइक नहीं कीजिए तो शेयर कीजिए, शेयर भी नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन तो लाजम दबाइए ताकि हमारा थोड़ी सी अफसल अफजाई हो जाए और हम आपके लिए ऐसी छोटी छोटी और बड़े बड़े ट्रिक ले आए आपकी खिदमत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।